हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेट सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 6 अगस्त 2022 6 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि जो हमने टारगेट बनाया है 500 लाइक्स का, वो आप ज़रूर पूरा करने में मदद किया करें, है ना। तो केवल आप लोग ही हैं जिसके सहारे हम ये सारा एनालिसिस कर रहे हैं, तो इफ़ यू पीपल वॉन्ट सपोर्ट अस देन नो वन एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर अस। सो आई होप यू ऑल विल डू दैट। 500 नहीं, आप तो 1000 का टारगेट बनाओ एंड डू हेल्प अस इन गेटिंग दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहा करेंगे। मैं प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन देता हूँ आपको, सीसैट का भी देता हूँ और एक मेंस का देता हूँ। कल मैंने देखा जैसे गगनदीप कौर का आंसर था, बहुत ही प्यारा आंसर लिखा हुआ था एंड ऑल द बेस्ट गगनदीप। आप इसी तरीके से लिखते रहें, डेफिनेटली यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। और जो बाकी लोग हैं वो भी क्वेश्चन को सीरियसली लें और भले आप 10 पॉइंट दे रहे हैं लेकिन आप पॉइंट्स दीजिए, ठीक है ना। तो आज का पहला सवाल है, वेयर इज किलाउया वॉल्केनो, कहां पर है ये, इसकी लोकेशन। ऑप्शंस आर फर्स्ट इज इंडोनेशिया, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज हवाई। तो आपको बताना है कि किलाउया वॉल्केनो कहां पर है। मैं आंसर आपको बता देता हूं लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा, तो पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आपने सही किए हैं, ठीक है ना। टेक इट सीरियसली। तो करेक्ट आंसर इसका है हवाई, डी विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ आपको अरेंज करना है। फर्स्ट इज पीर पंजल रेंज, सेकंड इज लद्दाख रेंज, थर्ड इज झंस्कर रेंज एंड फोर्थ इज काराकोरम रेंज, है ना। तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि साउथ से नॉर्थ आपको अरेंज करना है। इसका आंसर तो आप अटेम्प्ट करिएगा, आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। प्लीज डू अटेम्प्ट एंड डू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है ये सवाल तो आप एक काम करिए, आप एक बार मैप जरूर देखिए। प्लीज वॉच द मैप, प्लीज डू ओपन योर एटलस एंड वॉच द मैप, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दूंगा, चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखा भी दूंगा लेकिन आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, देखिए आपको कितना आता है। थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करना है। फर्स्ट इज डाफला हिल्स, सेकंड इज मिशमी हिल्स, थर्ड इज मिकीर हिल्स एंड फोर्थ इज जयंतिया हिल्स। तो आपको अरेंज करना है इनको कहां से कहां तक, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको पता नहीं है तो सी हाउ इट हैपेंस, जैसे डाफला ऐसा है, फिर मीरी ऊपर है थोड़ा सा, अभोर है, फिर मिशमी है सबसे ऊपर, फिर यहाँ मिशमी है, इस तरीके से जैसे अपना ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन उठता है ना, वैसे ही उठते हैं। तो डाफला, मीरी, अभोर, मिशमी, तो मिशमी तो ऊपर हो जाएगा और डाफला उसके नीचे हो जाएगा, फिर मिकीर उसके नीचे आ जाएगा और जयंतिया इधर आ जाएगा। तो सबसे ऊपर मिशमी, फिर डाफला, फिर मिकीर और फिर आपका जयंतिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि क्या इसका आंसर रहेगा। नॉर्थ से साउथ आप इसको अरेंज कर लेंगे। मूव करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, ये है, व्हाट लेसन्स कैन इंडिया लर्न फ्रॉम ताइवान व्हाइल हैंडलिंग चाइना। चाइना के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको हैंडल करते समय क्या लेसन्स हैं जो कि हम ताइवान से ले सकते हैं या सीख सकते हैं। आज का एडिटोरियल बहुत ही अच्छा, स्टैनली जॉनी का आर्टिकल लिखा है जो कि इसी के ऊपर लिखा हुआ है ना। तो वी विल ट्राई टू एनालाइज क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, समझ लो, है ना। तो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन एज वेल। और कल एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, उसका एक आंसर करेक्शन मुझे करना था। कल एक सवाल था कि बुलियंस में क्या क्या आता है, तो प्लैटिनम मैंने कहा था नहीं आता, लेकिन प्लैटिनम भी आता है। तो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, तीनों जो हैं आपके बुलियन के पार्ट हैं, तो याद रखिएगा उसको, ठीक है ना। और मेंस क्वेश्चन आपको बता दिया। सीसैट का क्वेश्चन आज देख लो, आज का क्या है, आज का सीसैट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 2497 से आप ऐड करेंगे सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 4, 6 एंड 3, ताकि जो सम है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3 रहे, ठीक है ना। तो क्या सबसे छोटा नंबर आप ऐड करेंगे 2497 में, ये जो आपका सम है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3 रहे, ठीक है। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस नाउ। द फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग आरबीआई रेजेज रेट्स वोज निम्बल पॉलिसी। अब यहाँ पर देखो क्या है, आरबीआई ने जो पॉलिसी रेट है यानी कि जो रेपो रेट है उसको रेज किया बाय 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पहली चीज़ तो आपको एक सबसे बेसिक चीज़ याद रखनी है कि रेपो रेट ही पॉलिसी रेट है। रेपो रेट ही क्या है,
पॉलिसी रेट होता है। तो अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा रेट है जो कि पॉलिसी रेट है, वो रेपो रेट कहलाता है। पॉलिसी रेट क्या है? पॉलिसी रेट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मेजर्स लेता है, ऑल द स्टेप्स टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन विद इन अ डेफिनेट रेंज, दैट इज टर्म्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल सी बात है कि वो सारे स्टेप्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है इन ऑर्डर टू मेंटेन इन्फ्लेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन कौन टारगेट करता है, वो व्हाट इज द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। तो एज ऑफ नाउ द प्रेजेंट रेंज ऑफ इन्फ्लेशन इज 4 ± 2%, 4 ± 2%, मतलब कि इधर इन्फ्लेशन शुड वेरी बिटवीन 2 to 6%, इट शुड नॉट बी अबव 6%, इट शुड नॉट बी लोअर देन द 2% रेंज। तो कुल मिलाकर के ये इन्फ्लेशन रेंज है। दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स दिस, एंड दिस शुड चेंज फॉर एवरी 5 years, हर 5 साल में इसको रीएनालाइज किया जाता है। याद रखिएगा, द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज डन इन एवरी 5 years, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हैं, है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। तो लेट मी टेल यू दैट एज वेल, हेडलाइन इन्फ्लेशन मींस इट रिफर्स टू चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट। जो आपका कंजम्पशन बास्केट है, मतलब जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, जो नॉर्मल एक कंज्यूमर का कंजम्पशन बास्केट रहता है, जैसे CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, ठीक है ना। तो कंजम्पशन बास्केट के अंदर जितनी भी चीजें रहती हैं उनके सभी में कितना चेंज हो रहा है प्राइसेस का, जब हम उन सारे आइटम्स को ले लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। कंजम्पशन बास्केट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सभी के प्राइजेस में कितना चेंज हो रहा है जब हम उसको कंसीडर करते हैं, तो वो कहलाता है क्या? हेडलाइन इन्फ्लेशन। दूसरा जो आपका कोर इन्फ्लेशन है, दैट इज़ एक्चुअली कोर इन्फ्लेशन में आपका फूड और फ्यूल एक्सक्लूडेड रहता है। फूड एंड फ्यूल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंटिंग, ठीक है ना। फूड एंड फ्यूल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंटिंग, दैट इज़ योर कोर इन्फ्लेशन। तो जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड एंड फ्यूल हटा देते हैं तो आपका कोर इन्फ्लेशन आता है। अब क्यों हटाते हैं? बिकॉज दिस फूड एंड फ्यूल इज वेरी नॉइजी। नॉइजी का मतलब क्या? इट क्रिएट्स वोलाटाइलिटी, इट्स वेरी वोलाटाइल। अगर आप देखें तो ये पूरा फॉरेन मार्केट पे एसोसिएटेड है। अगर फ्यूल का बढ़ा तो फूड का भी बढ़ जाता है, एंड फ्यूल का ऑलरेडी हमको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंडेंट रहता है। तो कुल मिलाकर के इट्स वेरी वोलाटाइल एंड इट क्रिएट्स नॉइस इन इन्फ्लेशन कॉम्प्यूटेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉइस। द टर्म इज नॉइस इन इन्फ्लेशन कॉम्प्यूटेशन। तो इसीलिए कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं जो कि कम वोलाटाइल रहता है देन हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। फिर मैंने आपको रेपो रेट का बताया, तो रेपो रेट याद रखिएगा, ये वो इंटरेस्ट रेट है एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स, है ना। तो याद रखिएगा, ओवरनाइट लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओवरनाइट मतलब जैसे एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए, ऐसे ही पैसे लिए जाते हैं ना। तो ओवरनाइट लिक्विडिटी फैसिलिटी है जो कि अगर अदर बैंक्स को प्रोवाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि हाँ भाई हमसे ले लो। अब ये इंटरेस्ट रेट ये 5.4% कर दिया गया है, यानी कि 50 basis points बढ़ा दिया गया है 4.9 से, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद देखें कि रेपो रेट जो है दैट इज द पॉलिसी रेट। देखो लिखा है रेपो रेट इज द पॉलिसी रेट, क्यों? क्योंकि रेपो रेट ट्रांसमिट्स थ्रू द मनी मार्केट टू द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। जो हमारा रेपो रेट है, एक बार जब वो रेपो, अब देखो रेपो रेट क्यों पॉलिसी रेट है, कि रेपो रेट किससे एसोसिएटेड है? रिजर्व बैंक को भी इंक्लूड कर दिया और दूसरे बैंक्स को भी इंक्लूड कर दिया, है ना। रिजर्व बैंक से पैसा ले लिया दूसरे बैंक्स ने, और दूसरे बैंक्स अब वही पैसा कहाँ डालेंगे? मार्केट में डालेंगे, ठीक है ना। तो आप समझो ये पूरा पैसा रिजर्व बैंक टू बैंक्स एंड टू मार्केट पहुंचेगा ना कुल मिलाकर के। तो ये पूरा ट्रांसमिशन इसका पूरा का पूरा मार्केट में हो जाएगा, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट में इसका ट्रांजेक्शन ट्रांसमिशन होगा, इसलिए ये पॉलिसी रेट रखा गया है, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 4 ± 2 की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया है, एंड हर 5 साल में ये होता है। और याद रखिएगा, RBI एक्ट 1934 को भी अमेंड किया जाता है फॉर मेकिंग दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है ना। अब आपके लिए 2015 UPSC का एक सवाल है, ये देखो, विच विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, बैंक रेट, OMO, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से कौन से कंपोनेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? कैन आई पुट माई मनी ऑन यू, है ना, कि आप इसका आंसर देंगे। तो प्लीज़ डू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि इन चारों में से मनी मार्केट यानी कि सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या कौन कौन से
कंपोनेंट्स है, बैंक रेट, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेब्ट और पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। दूसरा सवाल एक और, पहले सवाल से पहले मैं आपको पढ़ा दूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी नाम था। अब देखो पहले क्या होता था कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी की कितना बैंक रेट रहेगा, कितना सीआरआर रहेगा, कितना एसएलआर रहेगा, ये पहले गवर्नर डिसाइड करता था अकेले, ठीक है ना। अकेले नहीं मतलब चलो डिप्टी गवर्नर इन सब लोगों को ले लेता था, उसके बाद डिसाइड करता था। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि अब इसमें गवर्नमेंट के लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो सेक्शन 45ZB याद रखिएगा, सेक्शन 45ZB एक ऐड किया गया और 2016 में RBI एक्ट 1934 कमेंड किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो एक 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएंगे, 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएंगे जिसमें 3 मेंबर तो RBI के रहेंगे और 3 मेंबर जो रहेंगे वो गवर्नमेंट के रहेंगे। और ये किसकी लीडरशिप में रहेंगे, ये गवर्नर की लीड, मतलब गवर्नर जो रहेगा RBI का वही चेयर रहेगा, गवर्नर ऑफ RBI विल बी द चेयर फॉर दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। 6 मेंबर बोले और RBI गवर्नर जो रहेगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा, दैट इज़ द थिंग। एंड डिप्टी गवर्नर जो रहेगा वो इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा, फिर ऑफिसर ऑफ द बैंक जो कि नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड रहेगा, फिर 3 पर्संस विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 लोग जो रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद फिर वही कंसेंसस बेस्ड जो है कि जो मेजॉरिटी वोटिंग है वो है, कास्टिंग वोट का पावर गवर्नर के पास रहेगा इन केस ऑफ इक्वेलिटी of the votes, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 2017 के UPSC में आया था, देखो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ही लेकर के आया था 2017 के UPSC में। पहला लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इट डिसाइड्स द RBI's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही है। लिखा है इट इज़ अ 12 मेंबर कमेटी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड है इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली, करेक्ट पूछा है, वन ऑनली विल, यस ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वन ऑनली यानी कि ए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, चाइना सैंक्शंस पेलोसी, सस्पेंड्स की US स्टॉक्स। अब आपको पता होगा कि जो नैन्सी पेलोसी है वो चली गई ताइवान, ताइपी चली गई घूमने, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी कि भाई चाइना को हम ऐसे नहीं करने देंगे, ताइवान के साथ खड़े हुए हैं। और ऑलरेडी चाइना कहता है कि भाई वन चाइना प्रिंसिपल है, तो अब ये आप अलग अलग क्या बोल रहे हो, है ना। जिससे अंदाज़ अपना अपना, मैं आमिर खान बोलता ना कि आप इधर इधर क्या देख रहे हैं, इधर इधर देखिए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे किसने बोली है, चाइना ने बोला कि आप भैया इधर और इधर क्या देख रहे हैं, आप तो सिर्फ यहाँ एक साथ देखिए, है ना। तो वही वाली बात है। और आपको ये भी बता दूं कि वन चाइना प्रिंसिपल को क्या USA मानता है, तो यस USA मानता है। क्या इंडिया मानता है, यस इंडिया मानता है, लेकिन 2008 से हमने वन चाइना पॉलिसी का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है। इंडिया कब से मानता है वन चाइना प्रिंसिपल को, हम 1949 से मानते हैं, जब से चाइना आज़ाद हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। SC Moot's verdict for bodily autonomy, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है। 51 साल पुराना अबॉर्शन लॉ जो था उसको चेंज करने के लिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दिया है। अभी तक क्या होता था कि प्रेगनेंसीज जो अभी रिसेंटली, आपको ये भी पता होगा कि MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो था 1971 का, उसको अभी रिसेंटली 2021 में अमेंड किया गया, 2021 में अमेंड किया गया। और उसमें पहले जो जेस्टेशन पीरियड था प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, वो केवल 20 हफ्तों तक की परमिशन थी, 20 वीक्स की परमिशन थी। अब 20 to 24 weeks भी बढ़ा दिया गया है ना, और उसके 7 cases डाल दिए गए, 7 cases के लिए 20 to 24 weeks के बीच में भी 2 doctors की परमिशन से आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ 7 cases हैं, ठीक है ना। अब ये जो था ये केवल मैरिड कपल के लिए था, मतलब केवल मैरिड वुमेन के लिए परमिशन थी। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने और जस्टिस JB पार्डीवाला ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसा क्यों है कि केवल मैरिड वुमेन को ये प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए परमिशन है 20 weeks to 24 weeks, और ये सिंगल वुमेन को, अगर कोई है जो अनमैरिड वुमेन है उसको ये परमिशन नहीं है। क्यों, क्या उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मैरिड वुमेन की है। सेकंड चीज़, क्या वो 7 cases जो मैरिड वुमेन के केस में पॉसिबल है, क्या वो अनमैरिड वुमेन के केस में पॉसिबल नहीं है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जो पूछे गए। एंड इसी के बेसिस पे क्या डिसाइड किया गया कि अब जो रहेगा, जो अनमैरिड वुमेन रहेगी, शी ऑल्सो सफर्स द सेम पेन, शी ऑल्सो
suffers from unwanted pregnancies just like the married woman, and if that can happen to a married woman, it can definitely happen with an unmarried woman. Therefore, she should also be given the permission to terminate up to 24 weeks. ठीक है ना, if married women are allowed to terminate up to 24 weeks, then unmarried women should also be allowed to terminate up to 24 weeks. देखो मैं थोड़ा आपको explain कर दूँ medical termination of pregnancy में क्या कैसा है. देखो अगर 12 हफ्तों तक 0 टू 12 वीक्स तक आपको अबॉर्ट करना है, तो एक डॉक्टर, एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं या डॉक्टर बोलते हैं, उसके परमिशन से आप कर सकते हो अबॉर्ट. 12 से 20 हफ्तों तक अगर आपको करना है, तो आपको दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की परमिशन लगेगी. 20 से 24 हफ्तों के बीच में अगर आपको करना है, तो यह भी रिसेंटली 2021 का अमेंडमेंट से आया था, तो दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स, और इसके बाद 7 कंडीशंस आर देयर. तो मैं आपको वो पहले 7 कंडीशंस भी बता दूं. लेट मी टेल यू द 7 कंडीशंस विच आर देयर. तो यहां पे आप देखो लिखा हुआ है, यस यहां पे देखो लिखा है कि 20 से 24 हफ्तों में अभी चेंज किया गया था. सेक्शन 3B है, जिसके अंतर्गत सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट. पहला केस तो क्या है, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और इंसेस्ट पहला है. सेकंड है माइनर्स. थर्ड है आपका चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, यानी विडोहुड या डाइवोर्सी, थर्ड कंडीशन हो गई. फोर्थ कंडीशन आपकी हो गई विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी विच शुड बी अ मेजर डिसेबिलिटी एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016. इसके अलावा मेंटली इल वुमेन, ये फिफ्थ कंडीशन हो गई मेंटली इल. देन आपका सिक्स्थ कंडीशन हो गई फीटल मैल फॉर्मेशन दैट हैज अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ बीइंग इनकंपैटिबल विद लाइफ, और इफ द चाइल्ड इज बॉर्न इट मे सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज टू बी सीरियसली हैंडीकैप. ठीक है ना, ये सारी कंडीशन छठवीं कंडीशन है. सेवन्थ है वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग और डिजास्टर्स और इमरजेंसीज में भी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये 7 कंडीशन है जिनके 20 से 24 हफ्तों तक है. अगर आपको ये जानना है कि क्या 24 हफ्तों के बाद टर्मिनेट कर सकते हैं कि नहीं, यस 24 हफ्तों के बाद भी टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन ये है कि उसमें 4 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड लगता है ना, 4 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड लगता है, फिर उसकी परमिशन लगती है. ठीक है, आफ्टर 24 वीक्स व्हाट कैन इट कैन बी डन, इट कैन बी डन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, इट कैन बी डन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटी इफ अ 4 मेंबर मेडिकल बोर्ड सेट अप इन ईच स्टेट अंडर द एक्ट गिव्स द परमिशन. तो 4 डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड है, और केवल एब्सोल्यूट फैटल जो फैटल फीटल एबनॉर्मेलिटी है उसके ही बेसिस पे ये अलाउ किया जा सकता है 24 हफ्तों के बाद. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये दोनों न्यूज आइटम्स आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे और काफी अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस भी किया, तो आई होप आपको याद रखना है. ठीक है ना, हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू बैन काइट फ्लाइंग सेज इट्स अ कल्चरल एक्टिविटी. तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट. हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई काइट फ्लाइंग के ऊपर हम नहीं वो लगा सकते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इट हैज़ डिक्लाइंड टू इशू एनी डायरेक्शन टू बैन काइट फ्लाइंग इन द कैपिटल, बट डायरेक्टेड द सिटी गवर्नमेंट एंड पुलिस टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स बैनिंग द सेल ऑफ सिंथेटिक मांझा. लेकिन हाँ, सिंथेटिक मांझा नहीं बिकना चाहिए, उसके ऊपर बैन है. तो क्या होता है, UPSC क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि रिसेंटली काइट फ्लाइंग वॉज बैंड बाय द हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, या कोई ऐसा चीज़. तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का है, काइट फ्लाइंग को बैन नहीं किया है, केवल सिंथेटिक मांझा को बैन किया है. ऑब्वियसली लाइफ का थ्रेट रहता है, कई बच्चों के साथ भी कई बार केस हो चुके हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं. एंड लेकिन हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है जो चीजें हैं, मैंने जजमेंट आपको बता दिया. विश्व भारती होल्ड्स इवेंट टू रिव्यू द बुक ऑफ ऑन PM. विश्व भारती क्या है, मैं पहले आपको विश्व भारती के बारे में बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो विश्व भारती इज एक्चुअली अ यूनिवर्सिटी विच वॉज सेटअप बाय नोबल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर इन 1921 एट शांति निकेतन, जो कि आपके वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है. याद रखेगा ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जिसको कि नोबल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में शांति निकेतन बोलपुर में वेस्ट बंगाल का जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया था. इट वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इसको विश्व भारती कहा, विच मीन्स द कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया. कम्युनियन यानी कम्युनिकेशन ऑफ वर्ल्ड विद इंडिया. ठीक है ना, अंटिल इंडिपेंडेंस इट वॉज अ कॉलेज, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इंस्टीट्यूशन वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन 1951 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट है 1951 का, जिसके अंतर्गत फिर इन्होंने इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया.
ठीक है ना, इसकी स्टार्टिंग कराई थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1863 में। तब विश्व भारती नाम नहीं था इसका, डेफिनेटली उस जगह पे देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने बस लैंड लिया था, है ना, ज़मींदार ऑफ रायपुर एंड ज़मींदार ऑफ यहाँ से किरणहार से, ठीक है ना, एंड ही सेट अप एन आश्रम एट द स्पॉट देयर, है ना, वहाँ पे एक आश्रम उन्होंने स्टार्ट करवाया था। और इसको पहले ब्रह्मचर्य विद्यालय कहा जाता था, इट वॉज नोन एज द ब्रह्मचर्य विद्यालय अर्ली ऑन, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आई होप यू रिमेंबर दिस फैक्ट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। तो आज का जो पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेसन्स फॉर इंडिया फ्रॉम द ताइवान स्टैंड ऑफ। यही आर्टिकल मैंने आपसे बोला था कि आज हम डिस्कस करेंगे, एंड आई होप आप लोग इसको डिस्कस करने के बाद जो आंसर है वो ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आज आर्टिकल लिखा है, हैप्पी मॉन जैकब ने लिखा है, सॉरी मैंने स्टैनली जॉनी कहा था, हैप्पी मॉन जैकब ने आर्टिकल लिखा है, और बहुत अच्छा, ये इंटरनेशनल रिलेशंस पर ऑलरेडी बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम सीख सकते हैं ताइवान से, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं ऑथर ने। पहली चीज़ तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि अभी यूएसए जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, ताइवान जाना, ताइपी, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है। तो एक्चुअली यूएस इज़ ट्राइंग टू रीस्टैब्लिश द स्टेडली डिमिनिशिंग अमेरिकन क्रेडिबिलिटी, जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी घटती जा रही है। फॉर एग्जांपल अमेरिका ने क्या किया अफगानिस्तान में, पहले वहाँ पे गए, हो हल्ला किया, फिर वापस आ गए, तालिबान को वहाँ पे स्टैब्लिश होने दिया, तो इनकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं इनके एलाइज में घटती जा रही है, ठीक है ना। वही सेम चीज़ इन्होंने यूक्रेन के साथ भी की, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनकी जो डिमिनिशिंग क्रेडिबिलिटी है उसको रिस्टैब्लिश करने की एक ये कहना चाहिए कि तरकीब है कि ताइवान के पास जा करके हाँ बोलना कि हाँ चाइना की बुलिंग से हम आपको बचाएंगे, ठीक है ना। ताइवान भी यही चाहता है कि भाई चाइना की बुलिंग को किसी न किसी तरीके से फेस किया जाए। अब जो इंडिया में इस इवेंट को देख रहे हैं पूरा अनफोल्ड होते हुए, क्या मैसेज है इंडिया के लिए, क्या इंडिया को सीखना चाहिए ताइवान जैसे छोटे से एक पार्ट से, छोटी सी कंट्री से, है ना। मैं तो कंट्री ही बोलूँगा ताइवान को, मैं तो टू चाइना प्रिंसिपल पे विश्वास करता हूँ, है ना। एंड तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल नेशन दैन ताइवान, हमको ये समझना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, है ना। ताइवान तो बहुत छोटा है, मतलब कि कहना चाहिए बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, केवल 23 मिलियन पीपल है, इट्स अ स्मॉल आइलैंड ऑफ 23 मिलियन पीपल विच हैज़ डिसाइडेड टू स्टैंड अप अगेंस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर्स ऑन द प्लैनेट, है ना। चाइना के अगेंस्ट उनका खड़ा होना, उनको ये कहना कि वी विल फेस यू, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दिस इवेंट। तो ऑथर ने वही कहा कि केवल 23 मिलियन का आइलैंड नेशन है और वहाँ पर वो लोग फेस कर सकते हैं अगर चाइना को, तो क्या हम जहाँ पे 130 करोड़ भारतीय हैं, 140 करोड़ इनफैक्ट होने वाले हैं, तो क्या हम उनको नहीं फेस कर सकते। तो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑथर ने यही कहा कि पहला मैसेज होता है कि हमको स्ट्रांगली एक्सटर्नली हमको फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये रिकॉग्निशन हमको न्यू दिल्ली की पॉलिसी में बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर हाउ वी हैंडल द क्राइसिस ऑफ चाइना। तो यहाँ पे ऑथर ने तीन लेसन्स कहे हैं, बेसिकली थ्री लेसन्स आर देयर जो कि हम सीख सकते हैं। पहला है अनएम्बिगुअस मैसेजिंग। अनएम्बिगुअस मैसेजिंग का मतलब क्या हुआ, तो ऑथर ने कहा कि भैया ताइवान स्टैंड ऑफ से हमको एक चीज़ क्लियर है कि हमको अपना स्टैंड क्लियर रखना है, वी हैव टू कीप अ क्लियर स्टैंड एंड वेरी अनएम्बिगुअसली, यानी बिना किसी घुमा फिरा के बात किए हुए हमको अपनी बात कहनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आज तक इंडिया यही एक्सेप्ट नहीं कर पाया है क्लियरली कि उसके उस बॉर्डर में इनकर्जन हुआ है ऑफ द चाइनीज़, है ना, चाइनीज़ वहाँ पर अंदर आ गए, तो हमको अपने बॉर्डर के अंदर वो आए हैं नहीं आए, उन्होंने क्या पार्ट लिया है क्या नहीं लिया, क्या थ्रेट है, उसको हमने कभी भी क्लियरली नहीं आर्टिकुलेट किया है, तो हमको वो क्लियर करना है। देखो तो लिखा बेटिल डेट इंडियाज लीडरशिप हैज नॉट क्लेरिफाइड टू द कंट्री व्हाट इट रियली वांट्स, हम चाहते क्या है भाई चाइना से, हम चाहते क्या है। दूसरी चीज, वेदर चाइना कंटिन्यूज टू बी एन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी और नॉट, क्या चाइना अभी भी इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है हमारी टेरिटरी का कि नहीं, ये भी क्लियर मैसेजिंग आज तक इंडिया ने नहीं दी है। तो जब तक आप क्लियर टर्म्स में ये चीज़ नहीं बताओगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट कि चाइना कुछ आगे करेगा। सो वॉट इज़ हैपनिंग इज दैट अवर पॉलिसी इज डूइंग अ हाइड एंड सीक पॉलिसी, हाइड एंड सीक पॉलिसी से हट करके हमको अब क्लियर कट पॉलिसी पे आना पड़ेगा, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ वी हैव टू स्टॉप दिस चाइनीज अपीजमेंट, चाइनीज़ अपीजमेंट हमको बंद करना पड़ेगा, जैसे कि हम बीच बीच में उनको एंटरटेन कर लेते हैं, हम बीच बीच में उनके साथ बातें कर लेते हैं, बैठ लेते हैं। दूसरा, चाइनीज़ अपीजमेंट ताइवान नहीं करता है, ताइवान नेवर डज दैट, है ना। वही चीज़ हमको समझना है कि जब उनका एग्रेशन है तो हम फिर क्यों उनको बीच बीच में इस तरीके से अपीज करें। तो अपीजमेंट जो है शॉर्ट टर्म में हो सकता है ठीक रहे लेकिन लॉन्ग टर्म में बैकफायर करेगा, तो चाइनीज़ अपीजमेंट हमको बंद करना पड़ेगा। कैसे, चार तरीक़ों से। पहला, इंडिया की जो पॉलिसी है मीटिंग की, हम
चाइनीज़ के साथ मीटिंग भी होस्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, जबकि वो हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं। इवन दे आर वायलेटिंग आर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वॉट वी आर डूइंग इज दैट वी आर होल्डिंग पॉलिसीज एंड मीटिंग्स विद देम। वी हैव टू स्टॉप दैट, हमको स्टॉप करना पड़ेगा कि भाई नो मोर टॉक्स विद यू जब तक आप ढंग से नहीं बिहेव करोगे। तो सेकेंड मिस्टेक जो इंडिया करती है दैट इज़ द वी आर केटरिंग टू चाइनीज सेंसिटिविटीज़। देखो वो हमारी सेंसिटिविटीज़ को केटर नहीं करते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हम उनकी सेंसिटिविटीज़ को, उनके मिलिट्री की सेंसिटिविटीज़ को बहुत ध्यान में रखते हैं ना। इनफैक्ट पार्लियामेंट में अगर हमको कुछ बोलना है तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ना बोले जिससे रिलेशंस में इम्पैक्ट पड़े। डोंट वी शुड नॉट केयर फॉर द सेंसिटिविटीज़ दैट चाइनीज़ हैव। नाउ थर्ड है, वी आर वेरी सॉफ्टली पेडलिंग विद द क्वाड। हमको पता है क्वाड का हम यूज़ कर सकते हैं, क्वाड बना ही चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन जब चाइना ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि इंडिया को कि भाई आप इस तरीके से नहीं इनके साथ मेडल होगे, तो वहां पे हमने फिर वही करना शुरू कर दिया, हमने बिल्कुल स्लो कर दिया अपना इन्वॉल्वमेंट विद द क्वाड। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए थी, दैट वाज अगेन अ मिस्टेक, है ना। एंड लास्ट जो है इसके अलावा कि चाइना अभी भी हमारे टेरिटरीज़ के ऑक्यूपेशन में है, इलीगल ऑक्यूपेशन में है, और इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना ही इंडिया इसको क्लियरली आर्टिकुलेट कर रहा है, ना ही इसको एक्नॉलेज कर रहा है। तो जब तक आप इसको एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक आप सही पॉलिसी के साथ, सही वे के साथ इनको हैंडल नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ द थिंग विच ऑथर सेज इज हैपनिंग एंड दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम विच इज़ देयर, है ना। अब लास्ट जो ऑथर ने कहा है कि फ्लॉड आर्ग्यूमेंट, जैसे दोनों साइड जो हैं कई बार जैसे चाइना है कुछ बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें बोलती है ना, हम भी कुछ अलग गलत तरीके से आर्ग्यूमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि भाई हमारा ट्रेड इफेक्ट होगा। भाई ट्रेड इफेक्ट क्या होगा, आप ऑलरेडी 50-60-70 बिलियन डॉलर के डेफिसिट में चल रहे हो चाइना के साथ। ताइवान इतनी छोटी सी कंट्री होने के बाद भी चाइना डेफिसिट में चलता है। चाइना हैज़ एन एनुअल ट्रेड डेफिसिट ऑफ अराउंड 80 बिलियन डॉलर to 130 बिलियन डॉलर विद ताइवान, ताइवान के साथ वो चलता। अब आप समझ लो कि ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि हमारा ट्रेड इंपैक्ट होगा, ये होगा। आप इस तरीके से करो ना कि आपको चाइना की डिपेंडेंसी खत्म हो। तो डोंट गिव आर्ग्यूमेंट्स लाइक दीज, एंड इसको आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसके साथ कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं हो चाइना के साथ, आप उनके साथ नुकसान में ही हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो कि ऑथर ने कहा है कि आपको करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन हैंडल चाइनीज एग्रेशन। अगला है एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ न्यू एज डिजिटल कॉमर्स। तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बात की कि डिजिटल कॉमर्स देखो क्या है, बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन आज भी हमने देखा है कि आज भी जो लोकल किराना स्टोर्स हैं वो उनका भी ऑनलाइन इस तरीके से इन्फ्लुएंस आ नहीं पाया है, उनका आज भी जो इन ऑनलाइन प्रेजेंस है वो कम है। ऑथर ने इसका रीज़न बताया, क्या रीज़न है इसका। रीज़न सिंपल सा ये है कि एक तो वो बहुत ही मतलब छोटे दुकानदार जैसे होते हैं, बहुत ही बड़े स्केल पर तो काम नहीं करते, लोकल स्केल पर करते हैं, और उनको एक पूरा सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है जो कि उनकी कॉस्ट को केवल ऐड करता है और उनके पार्टिसिपेशन को लिमिट करता है, ठीक है ना। अब देखो क्या है दूसरी चीज़ की, अब जैसे उनको मान लो एक ई कॉमर्स में आना, तो उनको पूरी प्रोसेस एक ई कॉमर्स के साथ करनी पड़ेगी, फिर दूसरा ई कॉमर्स है तो दूसरे के साथ पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर तीसरे के साथ है तो तीसरे के साथ पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब आप समझे अलग अलग के साथ अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसका ऑथर ने कहा है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है आपका ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट कैन बी वन ऑफ द सोल्यूशंस, यानी कि DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिश्ड है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उसने एक लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर देना है। क्यों? क्योंकि वो एक ओपन ई कॉमर्स एंड इनेबलिंग एक्सेस टू स्मॉल बिजनेसेस एंड डीलर्स है। इट्स अ ओपन ई कॉमर्स एंड इट विल इनेबल एक्सेस टू स्मॉल बिजनेसेस एंड डीलर्स एज वेल। And ONDC makes it possible for products and services from all the participating e-commerce platforms to be displayed in the search results across the network apps. तो क्या होता है जैसे कि ONDC के अंतर्गत जितने भी e-commerce के आएंगे, अगर आप किसी एक में भी registered हो तो अगर आपका product मतलब अगर वो product search किया गया ना तो आपका product उस search list में आएगा। मतलब कि अगर किसी एक के साथ भी आप register हो गए और वो आपका open network for ये आपका digital commerce के साथ आ गया, ONDC के साथ आ गया, तो फिर आपका जैसे एग्जांपल दिया आता है यहाँ पे, ये सपोज करो एक प्रोडक्ट है ऑन एन ई कॉमर्स ऐप नेम्ड एक्स, है ना, इट विल ऑल्सो रिसीव अ रिजल्ट फ्रॉम ई कॉमर्स ऐप नेम्ड वाई। अगर एक्स एंड वाई दोनों ONDC के साथ रजिस्टर्ड हैं तो अगर आप एक्स ऐप में जा करके भी अगर आप सर्च करते उस प्रोडक्ट को तो वाई का भी रिजल्ट आएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंटर ई कॉमर्स कहना चाहिए, इंटर ऑपरेशन ऑफ द ई कॉमर्स ऐप्स हो जाएगा अब अगर वो सारे ऐप्स ONDC के साथ रजिस्टर्ड रहेंगे तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे
दैट कैन हैपन, दैट विल हैपन, एंड ONDC से ज़रूर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अब ऑथर ने दूसरा जो सोल्यूशन बताया है कि अब इस चूंकि ये पूरी प्रोसेस जब ऑनलाइन होगी या ओपन नेटवर्क पे रहेगी या इस सारी चीज़ें, तो डिस्प्यूट्स भी आएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि डिस्प्यूट्स नहीं अराइज करेंगे, तो डिस्प्यूट्स विल डेफिनेटली अराइज। तो इसके लिए ऑथर ने सोल्यूशन बताया ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। द सोल्यूशन इज ODR, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, देखो डिस्प्यूट आएगा, कोई भी व्यक्ति इतने बड़े बड़े लिटिगेशंस को फेस नहीं करना चाहता। नो वन इज़ एबल टू फेस ऑल दीज बिग लिटिगेशंस एंड ऑल। ये पूरी लीगल मैकेनिज्म को फेस करना बहुत टफ रहता है। ऐसे में ऑथर ने कहा कि ओपन डिस्प्यूट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज द नीड ऑफ द आर। और ये एक ऐसा आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा जो 24/7 मल्टी पार्टी डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सके, ठीक है ना। फ्रॉम रिमोट लोकेशंस पीपल कैन बी सेटल्ड विद द जो भी डिस्प्यूट है उसका डिस्प्यूट सेटलिंग हो जाए, है ना। दूसरी चीज़ ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ईबे का, ईबे का एग्जांपल दिया है। ईबे ने ऐसा किया है ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ईबे हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन रेजोल्यूशन प्रोसेस जो कि उन्होंने सेटअप की थी, और कितने न जाने कितने केसेस उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किए थे। जैसा आप देख सकते हैं, दे हैव ऑलरेडी सॉल्व मोर देन 60 मिलियन केसेस। ईबे ने 60 मिलियन से ज़्यादा डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए हैं बिटवीन स्मॉल ट्रेडर्स एवरी ईयर, है ना। तो दे आर सॉल्विंग दैट डिस्प्यूट्स एंड ऑल, है ना। अली बाबा ने खुद का अपना, उनका ODR मैकेनिज्म है, अली बाबा का भी ODR मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अभी ऑथर ने कहा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है इन द UPI इकोसिस्टम टू अडॉप्ट द ODR फॉर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस कनेक्टेड टू फील्ड ट्रांजैक्शंस इन ग्राम्स, है ना। तो ये सारी, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपका ट्रांजैक्शन फेल कर गया तो वहाँ पे मैकेनिज्म रहता है कि भाई आप टिकट रेज कर दो, ये है। तो ये सब, यही तो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें ऑथर ने इस आर्टिकल में बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो न्यूज़ है वो है प्रिविलेज ऑफ MP डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल केसेस सिंस सेज वेंकैया नायडू। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कई लोग हो हल्ला कर रहे थे कि भाई ये सेशन चल रहा है तो क्यों हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके साथ क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, कि उनको क्यों उनको अटेंड नहीं करने दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, तो यहाँ पे आर्टिकल 105 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि MPs enjoy certain privileges। याद रखिएगा privileges हैं, कौन सी privileges हैं। प्रिविलेज एक ये है कि अगर कोई सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, पार्लियामेंट के सेशन चल रहा है, तो पार्लियामेंट का सेशन सपोज इतने ड्यूरेशन में चलता है, तो इस सेशन के 40 दिन पहले से और इस सेशन के 40 दिन बाद तक किसी भी MP को अरेस्ट नहीं किया जा सकता फॉर एनी सिविल वॉयलेशन, सिविल केस, ठीक है ना। सिविल केस के केस में ही ये प्रिविलेज है। तो यहाँ पे आर्टिकल 105 का एग्जांपल दिया है वेंकैया नायडू जी ने, लेकिन उन्होंने क्लियर कट कहा कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आपको नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सिविल केस की बात है। दिस प्रिविलेज इज़ देयर एंड इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 135A ऑफ द CPC, सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है उसके सेक्शन 135A में ही ऑलरेडी मैंशनड है। लेकिन ये फैसिलिटी आपको क्रिमिनल केस में नहीं रहेगी। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द क्रिमिनल केस, इट इज नॉट देयर फॉर द क्रिमिनल केस टू एंजॉय, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है जो कि यहाँ पे वेंकैया नायडू जी ने कहा है। तो ये आपको याद रखना है, 40 दिन पहले 40 दिन बाद वाली बात। लेकिन ये MPs को प्रिविलेज केवल और केवल किस में अवेलेबल है, केवल और केवल ये सिविल केसेस में अवेलेबल है, ना कि क्रिमिनल केसेस में। तो ये आप याद रखिएगा। स्वराज इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट सेल्फ रूल। तो यहाँ पे इन जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के बारे में आया था। तो मैं बता दूँ, ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च हुआ था 8 जून 1936 को, है ना। ऑल इंडिया रेडियो 8 जून 1936 को लॉन्च हुआ था। इट्स अ डिवीज़न ऑफ प्रसार भारती, याद रखिएगा प्रसार भारती, विच इज़ द नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया, है ना। डिवीज़न ऑफ प्रसार भारती एंड आपका ऑल इंडिया रेडियो क्या है, इट्स द नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। ऑफिशियली नोन एज आकाशवाणी सिंस 1956, 1956 से इसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया है। इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क, वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, ठीक है ना। एंड AIR जो है ऑल इंडिया रेडियो, इट हैज़ कवर्ड ओवर 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, है ना। That is the thing which is important. मोटो इसका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, यानी हैप्पीनेस एंड वेलफेयर फॉर ऑल है। 1957 में विविध भारती रेडियो चैनल वॉज लॉन्च, विविध भारती लॉन्च हुआ था 1957 में, ये भी एक फैक्ट याद रखेगा। एंड 1976 में दूरदर्शन स्प्लिट कर गया था AIR से, मतलब दूरदर्शन वैसे तो 1959 से चल रहा था, दूरदर्शन कब से चल रहा है, 1959 से, लेकिन 1976 में AIR से स्प्लिट कर गया, मतलब 1976 से दूरदर्शन और AIR एक साथ चल रहे थे, ठीक है ना। तो दूरदर्शन सेटअप हुआ था
1859 में डीडी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है दिल्ली का, दिल्ली से आता है, एंड इट इज़ द नेशनल ब्रॉडकास्टर। इट बिकेम अ नेशनल ब्रॉडकास्टर इन 1982। नेशनल ब्रॉडकास्टर ये 1982 में बना, और 1997 से प्रसार भारती इज़ द ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। 1997 से एक्ट आया था, उसके थ्रू उसको ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बनाया गया, और दूरदर्शन AIR दोनों इसके अंदर लाए गए, ठीक है ना। और प्रसार भारती खुद आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर का आता है। तो ये भी सारी चीज़ आपको याद रखनी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। MES says OIC remark on Kashmir reeks of bigotry। अब bigotry का मतलब क्या होता है? bigotry का मतलब ये जो कट्टरता, कट्टरपंथी विचारधारा है ना। तो OIC ने अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के बारे में जो कहा है, तो इनका ये कहना है कि भाई आप लोग देखो इस तरह कट्टरपंथी वाली बातें ना करें, एंड दैट इज़ करेक्ट ऑल्सो। OIC कुछ ज़्यादा ही तेज चलता है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इसको कहा जाता है। इट्स अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और इस्टेब्लिशमेंट इसका 1969 में हुआ था, रबत में, मोरक्को में जगह है, वहाँ पे सबमिट हुआ था। और याद रखिएगा उस समय अल अक्सा मॉस्क था जो उसका क्रिमिनल आर्सन हुआ था जेरूसलेम में, उसके बाद इसको बनाया गया था। मेंबर्स इसमें 57 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया मेंबर नहीं है OIC का। एंड OIC को कहा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द UN, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आती है ना। तो कहा जाता है यही है। एंड बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन के केसेस को उठाते हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड्स के वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वॉर क्राइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी इंटरनेशनल लॉज के वॉयलेशन को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। एंड इसका जो चार्टर है पहली बार आया था 1972 में, इसको बार बार एडिट किया गया है ना। 2008 में सेनेगल में इसका चार्टर बना, फिर फाइनली अभी जो चार्टर चल रहा है OIC का, 2008 का चार्टर चल रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर लॉन्चेस पोर्टल टू रजिस्टर फॉर राशन्स, तो सेंटर ने लॉन्च किया है कॉमन फैसिलिटी टू रजिस्टर नेम्स इन राशन कार्ड्स। आपको अगर राशन कार्ड में नाम रजिस्टर करना है तो आप एक पोर्टल की मदद ले सकते हैं। 11 स्टेट्स और UTs में इसका पायलट स्टार्ट किया गया है। ये फैसिलिटी इनेबल करेगी स्टेट्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सकें एंड वेरीफाई कर सकें एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को, जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको अलाउ कर सकें कि हाँ उनका राशन कार्ड में नाम ऐड हो जाए। का फैसिलिटी का नाम है राशन मित्र, याद रखिएगा राशन मित्र इज द नेम, द सॉफ्टवेयर इसका नाम क्या है राशन मित्र, और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, NIC ने बनाया, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल है फिर इसका चल पाना, तो NIC आधी चीज़ें तो ऐसे ही बनाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ब्रैकेट में इंक्लूड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये राशन मित्र। और NFSA जो है, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इट शुड प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी कवरेज टू 81.35 करोड़ पर्सन इन द कंट्री, लेकिन जो प्रेजेंट NFSA कवरेज है वो लगभग 79 करोड़ है, यानी कि 2 करोड़ अभी भी मिसिंग होंगे, तो उनको ऐड करना इसका एम है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगर कोई और न्यूज़ आइटम्स है, तो यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस ठीक है, कल और बढ़ गया है ना, बजरंग पूनिया को और साक्षी को, दीपक मंगल को, इन सबको गोल्ड मेडल मिला, तो काफ़ी अच्छी बात है। हमारे साइड गोल्ड मेडल की टैली 9 हो गई है ना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और इंडिया के जो सुधीर सिंह है, ही हैज़ ऑल्सो क्लेम्ड द मेन्स हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग गोल्ड, तो ये भी काफ़ी कमेंडेबल जॉब था है ना। एंड पावर लिफ्टर हैं ये, और पैरा पावर लिफ्टर सुधीर सिंह, इनका नाम भी याद रखेगा। ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, वेरी गुड फॉर इंडिया, आई विश दे कम एटलीस्ट इन टॉप 3, है ना। अभी तो 6th पोजीशन पे इंडिया, लेकिन टॉप 3 में ज़रूर मैं चाहूँगा कि आए। एंड ऑल द बेस्ट टू इंडिया एज वेल फॉर दिस। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज़ डू एक्शन सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।